अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान बुलोट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं लसाटो रेस्टोरेंट में मौजूद हूं और ये वलेंशिया टाउन के अंदर क्लॉक टावर है, उसके सामने बिल्कुल वाकई है। और इसके अलावा खजूर चौक भी इसको बोलते हैं और खजूर मस्जिद भी इसको बोलते हैं, वहाँ पर ये मौजूद है। और इन्वायरमेंट इनका बहुत ही कमाल है। खाना तो अभी मैंने खाया नहीं है और मैं जहाँ भी जाता हूँ स्टेक खाता हूँ, मैंने स्टेक का ऑर्डर किया है। बाकी एक हवा चल रही है और कोरोना के इस टाइम पर जब रेस्टोरेंट बंद किए गए हैं तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा, एक तो बड़ी है और दूसरा ओपन है। इधर एक टेबल का दूसरी टेबल से फासला 10 से 20 फुट का फासला है, उसके अंदर आपकी टेबल्स जो हैं दूर दूर लगी हैं। और कोरोना की SOPs का ख्याल भी रखा जा रहा है। इनके मैंने किचन में भी विज़िट किया है तो उन्होंने हाथ पे ग्लव्स, मुँह पे मास्क और सारी SOPs पूरी हैं इधर। तो अगर आपको वैसे घर के अंदर खाना आप खाते हैं और बहुत अच्छा खाते हैं और आप डिलीवर भी कर सकते हैं, खाना खाने कोई बाहर नहीं आता, एनवायरनमेंट देखने आता है। तो अगर एनवायरनमेंट देखना है और आप देखना चाहते हैं कि बच्चे आपके इंजॉय करें और एक जगह, अच्छी जगह पे आप जाना चाहते हैं, तो मैं इसको अगर रेटिंग दूं तो 10 रेस्टोरेंट्स लाहौर के जो हैं उनके अंदर इसकी नंबरिंग के अंदर ये आता है। क्योंकि ये एक ओपन स्पेस है और कोरोना के इस माहौल के अंदर जब 2 साल से हम लोग बाहर नहीं जा रहे, कभी रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाते हैं, कभी कुछ कर दिया जाता है, तो ये बेस्ट जगह है जहाँ पे आप डिस्टेंस का भी ख्याल रख सकते हैं। और खाना इनका भी थोड़ी देर में आता है, वो भी खा के आपको बताते हैं कि वो कैसा है। और जगह भी आपको दिखाते, बहुत मज़े की। यहाँ पर पीछे एक पाउंड है जिसके अंदर मछलियाँ हैं, उसके अलावा इधर पीछे क्रिकेट का एक वो ग्राउंड है, इन्होंने बनाया हुआ है, पिच बनाई हुई है, उसको चारों तरफ से कवर किया है, उसके अंदर क्रिकेट भी हो रही है। उसको आप क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं तो उसको बुक करवा सकते हैं। कोई बर्थडे इवेंट है, कोई भी इवेंट है, आप यहाँ पे बुक करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक वो जोकर भी फिर रहा है, वो भी बड़ी मस्तियाँ कर रहा है और बच्चों के लिए बहुत मज़े का है। उसके लिए बच्चों के लिए यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, और भी एक्टिविटीज़ हैं। और सबसे मज़े की बात कि हल्की हल्की हवा चल रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़े की प्लेस है। तो अब आपको जगह दिखाते हैं कि जगह कैसी। और एक और बात, यहाँ पे म्यूज़िक भी है, गाना तो नहीं गा रहे लेकिन अच्छा फोक म्यूज़िक यहाँ पे है, आप अपनी मर्ज़ी का म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। और उसके अलावा हल्की हल्की हवा जो चल रही है उसका खाने के साथ क्या ही मज़ा आएगा। आज तो हवा चल रही है, मेरे नसीब में है। और अब खाना आता है तो फिर आपको बताते हैं कैसे। आपके लिए बना रहे हैं हम, आप अपना छूट कर। जब आप रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होते हैं तो आपको यहाँ पे रिसीव किया जाता है और आपको टेबल नंबर आपका बताया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात कोरोना के इस माहौल के अंदर, वो आपके हैंड सैनिटाइज़ करते हैं।
और जब आप टेबल से उठ के जाते हैं तो आप पीछे अगर मुड़ के देखें या गौर करें तो ये इनकी बड़ी अच्छी बात है कि ये टेबल को दोबारा सैनिटाइज़ करते हैं डिटॉल के पानी के साथ कि आपके वो जरासीम जो हैं अगर खुदा ना खास्ता हैं तो ख़त्म हो जाएं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे स्टेक पसंद है और मैं जिस रेस्टोरेंट में जाता हूँ स्टेक ट्राई करता हूँ, तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है इनके वेजिटेबल्स और ये चीज़ें। अब खा के चेक करते हैं कैसा है, मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है। बहुत मज़े का है और सही जूसी है, और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, आप आके ट्राई भी कर सकते हैं। अभी तक करीब से शॉट ले ले तोड़ने का।